पहले अपनी अंधी मोहब्बत में महसूस ही नहीं हुआ, लेकिन अब तैमूर और फारिस में एक वाजह फर्क नजर आने लगा है। तैमूर ने तो मुझे मोहब्बत के नाम पे सिर्फ धोखा दिया, और फारिस अपनी दोस्ती भी जान पर खेल कर निभा रहा है। तैमूर ने तो हमेशा सिर्फ इल्जामात दिए, और फारिस ने हमेशा सारे इल्जामात अपने सर पर लिए। मैं तो उसकी मखरूज हो गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि फारिस तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। नहीं रमशा, फारिस मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और तुम हमारी दोस्ती को मोहब्बत का नाम मत दो। लेकिन दोस्ती की भी हद होती है महर, ये सिर्फ मोहब्बत होती है जो ऐसे जान हथेली पे लेकर फिरती है। रमशा, फारिस एक लॉयर है और लॉयर्स काफी एक्सप्रेसिव होते हैं, वो खुद भी है, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया। महर, क्या पता वो तुम्हें खोने से डरता हो, इसलिए तुमसे खामोशी से मोहब्बत कर रहा है। मैं एक बार मोहब्बत कर चुकी हूँ और उसका मातम भी मना चुकी हूँ। अब तो जैसे ये लफ्ज सिर्फ एक धोखा ही लगता है। एक घर में रहते हुए मैं जब तैमूर और अनाया को एक साथ देखती हूँ ना, खुश देखती हूँ, हंसता हुआ देखती हूँ, तो बिखर जाती हूँ। फिर अपनी इज्जत ना रोज समेटती। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं एक बार फिर से मोहब्बत नामी झूठे जज्बे पर ईमान लाऊंगी? हो सकता है मैं, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। मैं तो सिर्फ तुमसे इतना ही कहूंगी कि फारिस बहुत मुखलिस है, उसकी आंखों में मुझे सच्चाई नजर आती है। ऐसे लोग बहुत किस्मत से मिलते हैं, अगर वो अपना हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ाए तो प्लीज झटक ना मारो।